हेलो पीपल। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड एंगल्स, या फिर इसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंसेस ऑफ एंगल। ठीक है, वो बोलते हैं इसको, पर उसका बेसिकली हम लोग प्रूफ देखेंगे। और उसके बाद सब जो सबसे एक्सक्लूसिव बातें शुरू होंगी ना, वो ये होंगी, ये जो हम लोग इसको टाइप वाइज बांटने वाले हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से टाइप वाइज बांट देंगे इसको। ठीक है, टाइप वन बिल्कुल सिंपल फॉर्मुला बेस्ड होंगे, उसके बाद कुछ फाइंडिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर ये आ गया। मतलब बेसिकली तो मैं दिखा देता हूँ कि कितनी मेहनत करी गई है, मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते थे लगभग हर क्वेश्चन को टाइप में बांट दिया। तो उसमें मतलब मज़ा आ रहा था करने में। फिर क्या रहता है ना कि तुम्हें पता रहता है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ये देखते ही मुझे ये करना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, लोग सिर्फ क्वेश्चन लिखवा देते हैं और करवा देते हैं, पर ऐसे नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तुम्हें ये तो पता चले कि तुम देख के तुम्हें कैसे स्ट्राइक करेगा कि ये करो, राइट है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा, पर हाँ लगभग 95% क्वेश्चन मैं तो करा सकता हूँ ऐसा। ठीक है, जैसे टैन मेनिया, राइट, तो है इस टाइप की चीज़। सिमिलरली सी एन डी मेनिया, मतलब बेसिकली सी एन डी लग जाता है, सी एन डी यानी कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड हो। ठीक है, मतलब बता रहा हूँ तुमको, एक बार रिव्यू ले लेंगे तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें बन जाती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, मतलब इस तरीके से करने का मज़ा ही अलग रहेगा, राइट है। तो बस यही रहेगा हमारा, 50 से 55 क्वेश्चन इस पर करेंगे। पहले प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से सारे फॉर्मूले इसका। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबका प्रूफ देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे फिर अपने अपने टाइप पे। ठीक है, मज़ा आएगा। तो एक्चुअली है क्या, तो बेसिकली कुछ नहीं है, जो दो एंगल्स हैं, मानो तुम्हारे पास कोई भी दो एंगल है, ए और बी। ठीक है, अगर तुमने दोनों एंगल्स को जोड़ दिया या फिर इनको माइनस कर दिया, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो उसी का ही पूरा खेल है। मतलब तुम्हें कोई ये दे दे कि भाई साहब मेरे को साइन ए पता है, ठीक है, मेरे को साइन बी पता है। ठीक है, तुमसे कोई पूछ ले कि साइन ए प्लस बी बताओ, या फिर साइन ए माइनस बी बताओ, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी बताओ या फिर साइन ए माइनस बी बताओ। ये जो पूरी कहानी है, इसको इस मतलब इसके जो फॉर्मूले होंगे ना, साइन ए प्लस बी क्या है, राइट, वो पूरा डिस्कशन जो है वो तुम्हारा इस टॉपिक के अंदर आता है, कंपाउंड एंगल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं कॉस के लिए, यानी कि कॉस ए माइनस बी, ये क्या आएगा। तो ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं होने वाला है, अगर तुम सोच रहे हो गलती से कि कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये तो फॉर्मूला भी नहीं बनता, राइट। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये काफ़ी लॉजिकल चीज़ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसको समझते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसका जो प्रूफ कराते हैं ना, दो तीन तरीके, इसके दो तीन प्रूफ होते हैं, पर मैं एक कराऊंगा, और जो मॉडर्न प्रूफ है। कुछ लोग कराते हैं ट्रायंगल वाला प्रूफ, कि वो ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, तुमने इस टाइप की, शायद अगर किसी ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा ना, इस टाइप की चीज़ बनवा देते हैं वो, पर ये काइंड ऑफ गलत है। गलत क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक्यूट एंगल का प्रूफ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल का। फिर कुछ लोग बोलते हैं जो सर्कल से बनाते हैं, पर सर्कल में वो लोग ले लेते हैं यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल यानी कि जिसका रेडियस 1 होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो सबसे जनरल केस जो बन सकता है वो लूँगा, ठीक है, जिसका सिंपल सा नाम है भाई साहब आर रेडियस का सर्कल लिया 1। ठीक है, तो आर रेडियस का हमने तो अपना सर्कल बना लिया, जो हम लोग हर बार बनाते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से। ठीक है, उसी के बेसिस पे सारी कहानी प्रूव कर देंगे अपन। ठीक है, तुम उस बात की टेंशन मत लेना। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस मैंने आर लिया है। अगर रेडियस आर है तो तुम मुझे बताओ ये पॉइंट क्या होगा। ये पॉइंट होगा आर कॉमा 0। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं पी बोल दिया। ठीक है, अब मैंने एक रे बनाई, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एंगल है, इस एंगल को मैंने ए बोला है, इस एंगल को मैंने ए बोला है। ठीक है, और ये हो गया ओ, सॉरी हाँ वही ओरिजिन, मैंने ओ बोलते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट 1, राइट, पी 1। ठीक है, अच्छा, और फिर दूसरा पॉइंट जो है तुम्हारा जहाँ मन वहाँ ले लो। ठीक है, मैं सेकंड में ले लो, थर्ड में ले लो, फोर्थ में ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बात सब सेम ही है। ठीक है, तो मानो मैंने दूसरा लाइन लेते हैं, दूसरा मैंने यहाँ ले लिया, सिंपल उसके लिए, जिससे कि साफ साफ दिख जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया पी 2। ठीक है, और डेफिनेटली हम लोगों ने इस एंगल को, या फिर काम करते हैं एंगल को चेंज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि प्रूफ मैंने उसके हिसाब से बना रखा है। तो ये इसको मैंने एंगल ए बोला है और इस एंगल को मैंने बी बोला है। ठीक है, तो अब मुझे लॉजिक से बताना, लॉजिक से ये कौन सा एंगल बन गया, ये वाला, ये एंगल कौन सा है बोलो। अगर ये पूरा ए है, इसमें से तुमने बी हटा दिया तो तुम्हें ऑरेंज वाला मिल जाएगा, यानी कि ये एंगल कौन सा है, ये एंगल तुम्हारा ए माइनस बी एंगल है, राइट। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये ए माइनस बी है। अच्छा, तो ये ए माइनस बी है। अब मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना। पी 1 जो लाइन है, जैसे ये तो मैं दिख रहा होगा ऐसे करके, ये ओ पी 1 है, ठीक है, और इस स्टेप से लेटा हुआ था पी 2 है। ठीक है, इसको मैंने रोटेट करा दिया वापस, एक तरीके से ऐसे मान सकते हो कि जो ओ पी 1 है, ये जो ओ पी 1 है, इसको मैं चिपका के ले आया वापस ओ पी में। ठीक है ना, मतलब मैंने इसको रोटेट करके वापस इधर ही ले आया। अगर मैं इसको वापस इधर ले आया तो ओ पी 2 भी इससे चिपकी हुई थी, तो ओ पी 2 भी उतनी वापस आ जाएगी। तो जब ये वापस आएगी तो मान लेते हैं ओ पी 2 कुछ यहाँ पर आ जाएगी, मान लेते हैं ओ पी 2 कुछ ऐसे आ गई, ये आ गया तुम्हारी ओ पी 2, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ओ पी 2। तो अब एंगल तो इन लोगों के बीच में अभी भी वही है, एंगल कितना है अभी बी इनके बीच में, ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ये दो हमारे बेसिकली पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब क्योंकि ये तुम्हें दिख रहा है कि यार ये पी 2 और ये पी 2 दोनों डेफिनेटली डिफरेंट हैं, वो तो हम लोगों ने ऐसी हाइपोथेटिकली बोल दिया कि घुमा के ले आए, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को मैंने पी 3 बोल दिया। ठीक है, अब ज़रा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, अब ज़रा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पी 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, एक्स कॉमा वाई।
तुम मुझे बता सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लिए तुम क्या बोलोगे? तुम कॉस भी निकालोगे। कॉस भी क्या होता है? कॉस भी होता है एक्स अपॉन आर, राइट, एक्स अपॉन आर। तो फिर एक्स कितना हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर कॉस भी, राइट है। तो हम मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स बता चुका हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पी वन के लिए क्या होगा? जो उसका एंगल है उसी के हिसाब से निकल जाएगा। सो आर कॉस बी कॉमा आर साइन बी, सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा, पी थ्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो पी थ्री के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी थ्री के पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कॉस, आर कॉस। अब एंगल कितना है? एंगल है ए माइनस बी। सो आर कॉस ए माइनस बी कॉमा आर कॉस, सॉरी, आर साइन ए माइनस बी, राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली जो पी टू है, पी टू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर कॉस ए कॉमा आर साइन ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक और फंडामेंटल चीज़ पर बात कर लेते हैं, लगे हाथ, राइट। तो अगर ये, सॉरी, ये रहा। तो ये अगर एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, वाह क्या सर्कल बनाया मैंने, एक सेकेंड, चलो ये हमारा सर्कल है, राइट। और इस सर्कल के अंदर ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, और ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड ने इसमें एक एंगल सब्टेंड किया सेंटर पे, ठीक है, और मान लेते हैं ये एक दूसरी कॉर्ड है, ये एक दूसरी कॉर्ड है, और उसने भी उतना ही एंगल सब्टेंड किया, ठीक है, ये समझ में आ रही है। जैसे अगर ये इसने एंगल सब्टेंड किया अल्फ़ा, तो इसने भी एंगल अल्फा ही सब्टेंड किया, या फिर ऐसे मान लो कि अगर इसने सेंटर में 30 डिग्री का एंगल सब्टेंड किया, तो इसने भी एंगल 30 डिग्री का ही सब्टेंड किया। इस कॉर्ड को बोल देते हैं ए बी, ठीक है, और इस कॉर्ड को बोल देते हैं सी डी। तो अगर तुमने सर्कल्स, ठीक है, तो अगर सर्कल तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि ऐसे वाले केस में अगर एंगल सब्टेंड इक्वल होता है, तो बेसिकली ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के बराबर हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सिंपल सा सर्कल का रूल है, नहीं पता तो मतलब अभी के लिए मान सकते हो क्या, ठीक है, बाकी अगर सर्कल्स पढ़ेंगे तो शायद इसका प्रूफ व्रूफ अगर मेरे को टाइम मिला तो पढ़ा दूंगा, ठीक है, वरना मतलब इसलिए मान सकते हो, इतना तो मान लेंगे अभी। और वैसे मैं सिर्फ बताऊँ, प्रूफ की कोई जरूरत भी नहीं है, तो मैं रियलिटी में सिर्फ आइडेंटिटीज याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में आज तक कभी उसने प्रूफ नहीं पूछा, आज तक, ठीक है ना, पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री इसी के लिए है ही नहीं, ये तो ज्योमेट्री है बेसिकली। खैर जो भी है, तो हमें तो ये समझ में आ गया, हमें तो ये चीज़ समझ में आ गई कि पी वन और पी टू को अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, तो ये जो तुम्हें कॉर्ड दिख रहे हैं, देखो ना, अरे यार, ये पी वन पी टू और ये पी पी थ्री, ये जो कॉर्ड दिख रहे हैं तुमको, यानी कि पी वन पी टू एंड योर पी पी थ्री, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि इसने भी एंगल कितना सब्टेंड किया सेंटर पे, अरे ये सर्कल है, येलो कलर का सर्कल दिख रहा है तुमको, इसका सेंटर कहाँ है? ओ है। अब इस ओ पे कितना एंगल सब्टेंड किया? ए माइनस बी। किसने? पी वन पी टू ने, तो ये रहा पी वन पी टू। फिर ये जो पी पी थ्री वाली जो लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड है बेसिकली, इसने भी कितना एंगल सब्टेंड किया? ए माइनस बी। तो इनकी लेंथ को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। अब फिर से कोई वाली बात आ जाती है, अगर तुमने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शायद ये पढ़ाते हैं डिस्टेंस फॉर्मुला होता है, कि अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा एक्स टू, सॉरी, एक्स वन कॉमा वाई वन, और एक दूसरा पॉइंट है जिसका पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इनके बीच में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? इसका अच्छे से प्रूफ व्रूफ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए बस मैं इतना मान रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं बिलीव में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी मैं जो तो समरी बना के दूंगा तुम्हें, बस वो याद करनी है, ठीक है। फिर भी चलो प्रूफ देख लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये वाई वन है, ठीक है, तो एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। तो क्या आता था बोलो, अगर तुम्हें याद हो तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मान लो पी वन और पी टू है, देखो ये पी वन है, ठीक है, और ये पी टू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं, मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, और इसको मान लो मैंने मान लिया एक्स टू कॉमा वाई टू। अब तुम्हें इसकी लेंथ बतानी है, तो क्या लेंथ आएगी इसकी? एनी आइडिया? तो बेसिकली एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा? कॉस बी माइनस कॉस ए, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये पी वन पी टू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर वाई वाले ले लो, वाई वाले क्या आएंगे? वाई वाले आएंगे हमारे पास आर स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा साइन बी माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट इज इक्वल टू किसका रूट? इसका पी पी थ्री। अब पी पी थ्री निकालते हैं, तो पी पी थ्री में कोऑर्डिनेट्स क्या है? अरे इसको तुम वो मान लो एक्स वन वाई वन, और इसको एक्स टू वाई टू मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया? तो यहाँ पर भी ऐसा आ गया आर माइनस आर कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो जीरो ही है, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और जीरो वाला, जीरो वाले की कोई बात ही नहीं है, तो वहाँ पर रहेगा जीरो माइनस आर साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो दोनों तो स्क्वायरिंग कर लेंगे, और ये आर स्क्वायर जो है, देखो ना, तुम यहाँ से भी अगर तुम देखोगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वन रह जाएगा, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आर स्क्वायर मैंने फालतू में लिया है, जैसे कि जनरल केस ले सकें, कि जो मतलब ज़्यादातर लोग यूनिट सर्कल ले लेते हैं ना, तो उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि यूनिट सर्कल ही क्यों लिया, दूसरा एंगल क्यों नहीं लिया, तो मैंने इसलिए वो मतलब पहले ही काट दी, छुट्टी करी सीधे। अच्छा, इस वो भी आर को बाहर निकाल सकते हैं, तो आर स्क्वायर हर जगह से कट जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब बताओ क्या आएगा? तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ, तो इधर से क्या आएगा? एल एच एस से क्या आएगा? एल एच एस से कुछ स्टेप्स आएगा, कॉस बी माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन बी
माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो तुम्हारा एलएचएस हो गया। आरएचएस में क्या रहा है, तो अगर मैं आरएचएस का देखूंगा तो फिर से मैंने स्क्वायरिंग कर रखी है, तो इट इज़ जस्ट लाइक वन माइनस कॉस ए माइनस बी, वन माइनस कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड सिमिलरली प्लस, और ये जीरो की जगह था नहीं, जब साइन ए माइनस बी का स्क्वायर है बेसिकली, तो सिंपली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस बी। और अगर मैं देखूं तो ये क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है, अगर तुम मन मन सोच के देखो तो ये कॉस बी का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, वन हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, वन हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या दिया तुमको, इसने तुमको दिया माइनस टू कॉस ए कॉस बी, माइनस टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। फिर इसने कितना दिया तुमको, इसने भी तुमको यही दिया माइनस टू साइन ए साइन बी, माइनस टू साइन ए साइन बी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है। अब इसमें सोचो, फिर से सोचते हैं इसको, तो यहाँ पे आएगा वन वन माइनस, अब ये वन माइनस ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, और फिर इधर भी आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, ठीक है। और एक वन का स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो एक वन और मिल गया तुमको, ठीक है। और फिर इसका माइनस टू, सो माइनस टू टाइम्स कॉस ए माइनस बी, तो ये वन प्लस वन कट गया, ठीक है। फिर ये माइनस ने प्लस कर दिया इसको हर जगह पे, ठीक है। फिर ये टू टू और टू भी कट गया, तो तुम्हारे पास ओवरऑल ये आ गया कि कॉस ए माइनस बी, ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, यानी कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला है। अभी बताते हैं कैसे इसको याद करना है, क्या नहीं करना है, अभी तो रुक जाओ तुम, ठीक है। अब एक काम करना है बस, ठीक है। अगर मैं अब इसकी जगह पे निकालना चाहूँ कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, मानो किसी कोई मुझसे बोल दे कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, कॉस ए प्लस बी को मैं ऐसे सोचूंगा, तो कोई तो ऐसे लिखा है, प्लस की जगह पे ऐसे सोचते हैं माइनस ऑफ माइनस बी, बात तो वही है यार, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया कॉस माइनस माइनस बी। अच्छा, ये बता दो मैं माइनस माइनस प्लस क्या होता है, खैर वो किसी और दिन। तो यहाँ पे आएगा कॉस, इसी फॉर्मूले में डाल दो, अरे यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, यहाँ पर क्या है ए माइनस ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो b था, b की जगह पे क्या लगाओगे तुम, माइनस बी, तो cos a की जगह तो cos a ही आएगा। फिर ये cos b, तो cos b की जगह क्या आएगा, अंदर क्या आएगा, माइनस बी आएगा प्लस में। फिर क्या आएगा, बोलो बोलो, यहाँ पे आएगा sin a, और फिर sin b की जगह पे क्या आएगा, sin के अंदर माइनस बी, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि cos माइनस बी तो सेम टू सेम ही होता है, यानी कि cos a cos b, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ मांडा हो जाएगा, sin a तो sin a ही रहेगा, पर sin माइनस बी क्या होता है, माइनस sin b, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया इस वाले का, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक कॉस ए माइनस बी का, एक कॉस ए प्लस बी का। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि साइन का बता भाई, है ना, क्योंकि कोई मुझसे ऐसे पूछ लिया कि बताओ साइन ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो अब साइन ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया ऑन दैट, कि मैं साइन ए प्लस बी कैसे निकालूं? तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी भी निकाल सकते हो तुम, साइन ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, कैसे, इस चीज़ का यूज़ करके। जैसे मैंने बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि अगर मैं थीटा की जगह पर ये डाल दूँ तो कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, साइन 90 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो पहले यही लिख दिया, तो यही चीज़ इसको निकाल लेते पहले, तो बेसिकली इसका उल्टा भी लिख सकते हो ना तुम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर मुझे ये निकालना है साइन ए माइनस बी, अरे मतलब ये है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके आगे, कॉस के अंदर 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे, अब क्या बने, तो अब हम सोचते हैं क्या करें, किसी एक को एक के पास रख लो फिर बात बन जाएगी। तो यहाँ पे 90 नहीं है, 90 डिग्री है ये, ठीक है। सो 90 डिग्री माइनस ए, इसको मैंने एक एंगल मान लिया, बात खत्म करो, और इसको फिर मैंने अलग मान लिया, ये मेरा 90 माइनस बी हो गया, ठीक है। अब समझना, अब समझो कि अब ये तुम्हारे लिए क्या चीज़ बन गई है, देखा जाए तो हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा बन गया, जैसे हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको थोड़ी देर एक काम कर लेते हैं, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तो ए माइनस बी की जगह मैं दूसरा टर्म यूज़ कर लेता हूं, मैं यहां लिख देता हूं एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इसका क्या था, पहले कॉस को लिख लो, सो कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर माइनस की जगह प्लस लिख दो, यहां पे आएगा साइन एक्स साइन वाई, तो यही है, देख लो यही हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो मैंने उसी को ही लिखा है यहां पे, ठीक है। मैंने बस उसको x और y के टर्म्स में लिख लिया, जैसे कि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। तो अब तुम्हारे लिए x क्या है, ये तुम्हारा x है, और तुम्हारे लिए y क्या है, b तुम्हारा y है, बस खोल दे उसको पकड़ के, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो क्या आ जाएगा, पहले तो 90 माइनस ए, फिर cos b, फिर प्लस में साइन के अंदर, ठीक है, और साइन के अंदर b,
ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए साइन, राइट। सो यहाँ पे कितना आ गया, ये हो गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गलती तो नहीं करी। ओ वेट अ सेकेंड, हाँ गलती कर दी ना यहाँ पे मैंने, देखो 90 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अगर यहाँ पर ये प्लस हो गया तो इस प्लस को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, तुम्हें पता है ये चीज़ राइट, इसको प्लस को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, वो ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस, बल्कि प्लस को अब हमें प्लस का भी फॉर्मूला आता है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ प्लस बी। ठीक है, तो प्लस बी का आंसर बस कुछ नहीं होता, यहाँ पर माइनस आ जाता है बस, और कुछ नहीं। जैसे अगर यहाँ पे कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई होगा तो बस यहाँ पे क्या रहता है, माइनस आ जाता है, राइट है। तो ये हो गया बेसिकली, इतनी सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, तो ये तो ऐसे आ गया, फिर आ गया माइनस ऑफ साइन 90 माइनस ए, यानी कि कॉस ए, सो कॉस ए साइन बी, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का। अभी इनको मैं पूरा समराइज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, अलग अलग फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा और क्या बन सकता है, और क्या और क्या और क्या सोच सकते हैं इससे, तो इसी से हम लोग वो बना लेंगे अपना साइन ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी कैसे बनेगा, तो साइन ए प्लस बी थोड़ा ना लिखा, ये तो ऐसे लिखा है साइन ए माइनस ऑफ माइनस बी। ठीक है, अगर ये है बस, इसमें क्या करोगे तुम बताओ, तुम बी की जगह पे क्या डाल दोगे, तुम बी की जगह पे माइनस बी डाल दोगे बस, तो उससे तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा, उससे बस कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, साइन ए कॉस बी एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तुम अपने आप करके देख लेना, यही आएगा, तो कॉस ए साइन बी। तो ये हमने अपने चार स्टैंडर्ड फॉर्मूले निकाल दिए बेसिकली। ठीक है, तो इनको एक जगह पे लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद अभी 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 इनको फाइनली समराइज करेंगे, जितनी बार लिखोगे उतना फायदा है। ठीक है, इनको कम से कम 50 बार लिखो, नहीं इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे सिंपल ही फॉर्मूला। देखो पहले साइन वाला लिखते हैं, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये सिंपल सी बात सुनते हैं। तो जो साइन के लेफ्ट साइड में, मतलब साइन के साथ तुम पहले ए को लिख लो, तो यहाँ लिख दिया साइन ए। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है उसके साथ कॉस का पेयर बना दो, तो कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर साइन को लिया। अब तुमने साइन को पहले शादी किससे करी थी, ए से, अब किससे शादी करेंगे, बी से, तो हमने कर दिया भाई साहब साइन बी। अब कौन बच गया, अब ए बच गया, तो ए को लिख दिया कॉस ए, सिंपल, समझ में आ गया, फिर से करेंगे एक बार, चला जाओ फिर से करते हैं। तो साइन जो है, अगर मैंने उसको ए के साथ शादी कर ली पहले उसकी, ठीक है, तो साइन ए, अब कौन बचा, बी, तो किसके साथ आ गया, कॉस बी के साथ, अब प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर आ गया साइन के पास, अब साइन किसके पास जाएगा, तुमने ए से तो पहले कर दी थी, अब बी से करेंगे, तो साइन बी, अब कौन बचा, ए बचा, तो कॉस ए, सिंपल, राइट। अच्छा, अब इसका माइनस कर देते हैं, तो माइनस में कुछ नहीं करना है, माइनस में क्या करना है, बस जहाँ जहाँ प्लस है वहीं पर माइनस कर दो। फिर से बोलते हैं एक बार, साइन का पहले हमने किसके साथ किया, ए के साथ किया, कौन बच गया, बी, तो कॉस बी। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, तो फिर यहाँ पे कौन बच गया, साइन बच, वो सॉरी बी बच गया, तो साइन बी, एंड देन साइन ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा और कौन थे, और कॉस वाला हम लोगों ने अभी भी किया है, सो कॉस ए प्लस बी। कॉस वाला बहुत सिंपल है, पहले सारे कॉस वाले कर लो फिर साइन वाले कर लो, पहले कॉस के साथ दोनों की कर दो, तो कॉस ए कॉस बी, सिंपल, सही है। फिर सिमिलरली कर दो साइन ए साइन बी, सही है, सबसे सिंपल मुझे लगता है। बस इसमें ट्विस्ट क्या है, क्योंकि तुमने दोनों में सिमेट्री बांटी है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिमेट्री काट लेंगे, यानी कि प्लस की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, सिमिलरली जो उल्टा वाला है उसमें उल्टा कर देंगे, जैसे कॉस ए माइनस बी वाला जो है उसमें ये करेंगे, पहले कॉस के साथ कर दो दोनों की, सो कॉस ए कॉस बी। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब माइनस की जगह पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, सिंपल एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बढ़िया चीज़ है, तो ओवरऑल ये हमारे पास अभी चार फॉर्मूले बने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले। और क्या बना सकते हो, है ना, और क्या चीज़ सोच सकते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैन सोच सकते हैं, कि भाई टैन अगर मैं निकालना चाहूँगी, भाई टैन ए प्लस बी क्या होगा, तो मैंने कहा भाई टैन होता क्या एक्चुअल में, टैन होता है साइन ए प्लस बी, सिंपल, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमको पता है क्या कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी होता है यार साइन ए, पहले साइन के साथ, पहले साइन की करेंगे ए के साथ, फिर जो बच गया वो कॉस के साथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर कॉस ए साइन बी, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, बात सब एक ही है। तो अब नीचे क्या गया, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का बहुत सिंपल लगता है मेरे को, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और प्लस की जगह पे क्या लगा देंगे, माइनस, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, तो अब इतना तो समझ में आ गया, लेकिन अब करें क्या। ठीक है, तो यही यहाँ पे ट्विस्ट काइंड ऑफ कह सकते हो कि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो क्या करने वाले हैं हम लोग करेंगे कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करने वाले हैं कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। मतलब क्या करने का मतलब क्या है मेरा, मतलब सिर्फ इतना सा कि जो ये तुम्हें न्यूमरेटर दिख रहा है इसको डिवाइड कर दो कॉस ए कॉस बी से। ठीक है, सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसको भी डिवाइड कर देंगे कॉस ए कॉस बी से। ऐसा उसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि कॉस ए कॉस बी कट जाएगा बाद में, सिंपल। ठीक है, इसलिए हम कर तो सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अलग से लगा नहीं सकते, कुछ बोलेंगे मतलब अलग से कैसे डिवाइड कर दिया, तो बेसिकली वो तुमने सिर्फ ऊपर थोड़ा डिवाइड किया, तुमने तो दोनों तरफ डिवाइड किया है, तो अगर तुमने सिमेट्रिकल काम करते हो ना हर बार, तो काम बन जाता है तुम्हारा। तो साइन ए कॉस बी पर डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, कॉस ए कॉस बी से कर दिया डिवाइड, तो नीचे क्या जाएगा, साइन ए बाय कॉस ए यानी कि टेन ए। ठीक है, और कॉस बी बाय कॉस बी इज वन, तो हटा दिया इसको प्लस। अब देखो, कॉस ए बाय कॉस ए दैट इज वन, साइन बी बाय कॉस बी दैट इज टेन बी,
समझ में आ रहा है ना, मनी मन समझ में आ रहा है किससे डिवाइड कर रखा है, कॉस ए कॉस बी से। अब इधर नीचे देखो, कॉस ए कॉस बी, फिर से कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, तो अरे कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेगा तो क्या हो गया, वन आ गया यहाँ पे माइनस। यहाँ देखो साइन ए के नीचे क्या आया, कॉस ए यानी कि टेन ए, फिर साइन बी के नीचे क्या आया, कॉस बी यानी कि फिर से टेन बी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, यही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, टेन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, इन महाशय के बराबर होता है, सिंपल। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम्हें मतलब तुम दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हें मानो कल को टेन ए माइनस बी निकालना है तो तुम इसी में ही, मैं तो कहूँगा इसी में कर लो, और क्या फालतू में दोबारा क्या करोगे, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए माइनस बी, तो इसी में क्या कर लेंगे, इसी में बस क्या कर लेंगे हम लोग, सिंपली इसका रख दिया टेन ए प्लस में और यहाँ डाल दिया माइनस बी। तो इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना, जहाँ पर बी है वहाँ पर क्या लिख दोगे, वहाँ पर माइनस बी लिख दोगे, तो टेन ए का तो टेन ए ही रहेगा, टेन ए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर टेन बी, तो टेन बी की जगह क्या आ जाएगा, टेन के अंदर माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय वन माइनस, वन माइनस टेन ए टेन माइनस बी। अब बच्चे बच्चे को पता है कि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, यानी कि टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, सिंपल। तो ये इसका मतलब फॉर्मूला बन गया बेसिकली, ठीक है, बढ़िया। अच्छा आ जाइए फिर, और क्या कर सकते हैं, तो अगर तुम्हें टैन का समझ में आ गया तो हम कॉट का भी निकाल सकते हैं फिर, तो एक बार कॉट का भी निकाल के दिखा देना तुमको। मानो किसी ने बोल दिया कि कॉट ए प्लस बी बता भाई तू तो मेरे को, तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉट ए प्लस बी को करने के दो तीन तरीके हैं, मतलब दो तरीके हैं बेसिकली, या तो तुम वन अपॉन टेन ए प्लस बी से कर लो, या फिर सिंपल तुम इससे कर लो कि कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस सॉरी साइन ए प्लस बी, ठीक है, एक करके दिखा देता हूँ, बाकी दूसरा बिल्कुल सेम निकल जाएगा इसी तरीके से। अभी इस वाले से पहले प्रूफ देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। सो कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन ए प्लस बी कितना हो गया, ये बोलो जल्दी से बोलो। सो ये हो गया, ठीक है जल्दी से बोल दिया रख, तो क्या आएगा, पहले कॉस के हम लोग दोनों के साथ कर देते हैं, कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस की जगह पे माइनस, सो साइन ए साइन बी, ठीक है बढ़िया, डिवाइड बाय साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस ए प्लस बी की जगह पे क्या आएगा, साइन ए, बोलो साइन ए कॉस बी, ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस ही रहेगा यहाँ तो, और फिर क्या आता है साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, ठीक है, अपना सिंपल सा फंडा हो गया, ये तुम्हारा आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें भी वही कर सकते हैं या तो, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि कॉट है, तो हमारा प्लान ये है हमें कॉट में ही पूरी खानी चाहिए, तो अब यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा किससे, यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से, सिंपल साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दो इस पूरे को, ठीक है, जैसे डिवाइड करोगे सो कॉस ए के नीचे क्या आया, साइन ए साइन बी, यानी कि बोलो जल्दी से क्या हो गया ये, अरे कॉस ए बाय साइन ए यानी कि कॉट ए, सो कॉट ए, फिर क्या नाम है इसका, कॉस बी बाय साइन बी क्या हो गया, कॉट बी, सो कॉट बी, फिर इनको तो तुमने एग्जैक्टली नीचे डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे आ गया माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाय देखो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी को इससे डिवाइड करोगे तो साइन ए साइन ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया कॉट बी, ठीक है, फिर क्या आ गया, फिर आ गया हमारे पास सिंपल सा कॉट ए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि कॉट ए माइनस बी निकालो, सो कॉट ए माइनस बी तुम इसी में डाल के निकाल सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या आएगा आंसर, सो कॉट ए कॉट बी दोनों में ही अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ गया कॉट ए, फिर यहाँ पे बेसिकली तुमने बी की जगह पे माइनस बी डाले तो कॉट माइनस बी हो गया, अब कॉट माइनस बी इज माइनस कॉट बी, राइट, सो माइनस बाहर आ गया, फिर यहाँ पर माइनस वन हो गया, फिर डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया कॉट बी यानी कि माइनस कॉट बी, सो इट इज जस्ट लाइक कॉट ए माइनस कॉट बी, इतना तो मेरे तक समझ में आया। पर अब ये जो माइनस है मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया कॉट ए कॉट बी प्लस वन, ठीक है, और नीचे माइनस में घूम गया कहानी, ठीक है, जैसे नीचे माइनस में कहानी घूम गई तो नीचे घूमते क्या हो गया, ये हो गया कॉट बी माइनस कॉट, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया कॉट ए प्लस बी का एंड कॉट ए माइनस बी का, ठीक है, तो इसको भी समराइज कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी सिर्फ ये चार रिजल्ट समराइज करे थे, अब हम लोग ये वाले भी समराइज कर देते हैं। सो टैन ए प्लस बी, राइट, सो टैन ए प्लस बी कितना होता है, फिर तुम मुझे बताओ कि टैन ए माइनस बी कितना होता है, ठीक है, ये सब मतलब तुम्हें इस पर कोई वो नहीं है, कोई मतलब अगर तुम इसमें समझो कोई कंसेशन हो, ठीक है, मतलब याद तो करना ही करना है, इसमें कोई वो ही नहीं है, याद ही नहीं है हमें तो, ठीक है ना। और ये एक और चीज़ सुन लो, ये जो कहानी है ना, ये मतलब जेई मेन्स चले जाओ, चाहे जेई एडवांस चले जाओ, चाहे सीबीएसई बोर्ड लेवल पर चले जाओ, तीनों का मामला सेम है, ठीक है, तो मतलब यहाँ तो तुम्हारी मेहनत कम है ही नहीं, चाहे तुम बोर्ड लेवल पे कर रहे हो, चाहे तुम मेंस लेवल पे कर रहे हो, चाहे एडवांस लेवल पे कर रहे हो, फॉर्मूले हर एक के केस में आने चाहिए तुमको, और फिर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा जो बोर्ड लेवल है ना सीबीएसई बोर्ड लेवल, वो भी अच्छा खासा लेवल पे जाता है ये, ठीक है ना, तो ये चैप्टर अलग लेवल का है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें हर एक बंदा अच्छा करके खेलता ही है इसमें, ठीक है, तो आपको इसमें वैसे नहीं होना कि अगर बोर्ड वाला बंदा भी देख रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोर्ड में भी इतना ही आता है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे जैसे कि बोर्ड तुम्हें और सिंपल लगेगा, बाकी रही बात जेई की तो वो तो पक्का तुम्हें पता ही है किस हिसाब से हम पढ़ाते हैं,
ठीक है। सो टैन ए प्लस बी का फॉर्मला क्या आया था, टैन ए प्लस बी का अगर नोटिस किया हो तो पहले तो ऐसी बांट दो, जैसे टैन ए प्लस बी है तो जैसे तुम्हारी बचपन की वो होती है ना, तो वैसी बांट दिया लोगों ने, टैन ए प्लस टैन बी, और यहाँ वाले भी क्या कर दिया, टैन ए माइनस टैन बी, टैन ए माइनस टैन बी। फिर क्या करा, फिर यहाँ लग दिया वन, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया वन, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ लगा दिया प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टैन ए टैन बी, ठीक है, यहाँ पर भी आ गया टैन ए टैन बी। एक बार और सर, एक बार और सर, रीप्ले सर, रीप है, तो रीप्ले मारते हैं, तो सबसे पहले वही मारा टैन ए प्लस टैन बी, ठीक है, अब एक बार में एक वाला लिखेंगे, तो टैन ए प्लस टैन बी, फिर वन लिखा, फिर यहाँ पे प्लस है तो वन की जगह पे माइनस कर दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो टैन ए टैन बी, यही इसका फॉर्मूला बना था। सिमिलरली इसका देखते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों वाले तरीके से खोल दिया, टैन ए माइनस टैन बी, फिर नीचे लिख दिया हम लोगों ने वन, ठीक है, वन लिखने के बाद क्या करा, माइनस का प्लस कर दिया, यहाँ पे आ गया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया टैन ए टैन बी, तो ये हमारा फाइनल इसका रिजल्ट बन गया। तुम फॉर्मूला याद मत रखो, तुम उसकी हिंदी याद रखो कि पहले बच्चों की तरह खोल दिया, फिर वन लिख दिया, फिर जो ऊपर साइन है उसको घुमा के लिख दिया, फिर टैन टैन मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से याद हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं कॉट ए प्लस बी को देखूंगा, तो तुम हमेशा टैन वाले को अपने दिमाग में रखो, और फिर उसके हिसाब से अगर तुम कॉट वाला निकालोगे तो चांसेस हैं कि तुमसे हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें खानी उल्टी चलती है, ठीक है, पहले तुमने ये बना दिया दोनों में, ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ, एक ही बार में सुनना सब कन्फ्यूजन दूर, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस वाले केस में, यानी कि कॉट ए कॉट बी, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो उल्टा करना पड़ेगा माइनस वन, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें इसको दूसरी अप्रोच से सिखाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भी, तो पहले क्या करा, पहले बच्चों वाले तरीके से खोल दिया, लेकिन इस बार डिनोमिनेटर में खोला है, यानी कि कॉट बी प्लस कॉट ए। इसमें मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैंने कॉट बी को पहले लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि माइनस वाले में गड़बड़ हो जाती है, तो यहाँ पे भी ये गया, इसको बच्चों वाले तरीके से खोल दिया, पर पहले कॉट बी को लिखा, सो कॉट बी माइनस कॉट ए। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए, ठीक है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वन लिखा, फिर से वन लिखा, तो देखो सबको सेम है, बस उठाए, ठीक है, फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉट ए कॉट बी, फिर यहाँ पे भी क्या, कॉट ए कॉट बी, ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर नीचे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस आएगा, सिर्फ दिस इज द आइडेंटिटी, दिस इज द समरी ऑफ द फोर न्यू फॉर्मूला। सो आठ फॉर्मूला हो गया अभी तक हमारे, ठीक है, हमारे कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक, आठ और फॉर्मूले तुम्हारी लिस्ट में जुड़ गए। अच्छा, और कुछ भी है क्या, एक ही बार में बता के छुट्टी करो, या तुम बता रहे हो दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है, चलो और बता देते हैं, इतना मन है तुम्हारा जानने का, तो ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब चलो और बता देता हूँ। और बेसिकली ये वाला है तुम्हारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली यूज़ करना आना चाहिए। तो ये है साइन के अंदर अगर मैंने ले लिया ए प्लस बी, और फिर यहाँ पर लगा दिया साइन के अंदर ए माइनस बी, और ये सब ना एन सी आर टी में, एन सी आर टी में भी बहुत आता है यार, मतलब एन सी आर टी में भी है, ऐसा नहीं कि मतलब अलग से कराया जा रहा है, बेसिकली साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के क्वेश्चन हैं एटलीस्ट एन सी आर टी में, और अगर तुम और अपनी बोर्ड लेवल की बुक में जाओगे तो वो भी मिल जाएगा, मतलब मैं वो कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो जेई बोर्ड सबके लिए सेम लेवल की आती है, एडवांस के लिए क्या होता है थोड़ा मतलब बिल्कुल यही चीज़ यूज़ करेगा, पर उसको थोड़ा अलग तरीके से देगा तुमको, अलग तरीके से मतलब क्वेश्चन को घबराहट वाले फॉर्मेट में देगा, कि उसको देखने का तुम्हें लगेगा इसको बिगाड़ो मत, इसको ऐसे रखो, इसको वन टच करेगा, लेकिन जब तुम इसको मतलब करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने करा रखा है, या फिर ये तो वो क्वेश्चन है जो हमने वहाँ देख रखा है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पर उसको इतना सजा करके देंगे कि तुम्हें लगेगा ये तो अपन अपने उसका नहीं है, ये तो मतलब ये फर्क होता है। खैर अगर तुम्हें ये निकालना है तो बहुत ही बच्चों वाला काम है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन साइन बी कॉस ए, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले से, कुछ नहीं करा वही काम है बिल्कुल सेम टू सेम यार, ये तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, राइट, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मानो ये लिखा है एक्स, ठीक है, और ये पूरा लिखा है वाई, तो ये लिखा है एक्स प्लस वाई और ये लिखा है एक्स माइनस वाई, तो इनका आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दो इसका एक ही बार में ही छुट्टी करो, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, इतना आ रहा है, तो क्या मतलब ये कराने का कोई सेंस बनता है, नहीं, तो मैंने सोचा यार एक बात सुन, यहाँ पे हर चीज़ साइन में है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर चीज़ साइन में ही ले आऊँ, तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को इसी फॉर्मेट में लिया है, सो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पर जो हमारा कॉस है उसको भी यही किया, सो वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सोच के देखो आप क्या आएगा, तो अगर अब तुम सोच पाओ तो हाँ भाई, तो साइन स्क्वायर ए आएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ज़रा हवा हवा में देखते हैं, सो माइनस माइनस है यहाँ पे, और ये क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सो माइनस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, सो प्लस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए, तो बेसिकली साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी हमारा कट गया, तो बस यही बचा, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये कितना हो गया, अरे वन और वन कट गया, कितना हो गया ये बोलो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए,
मतलब तुम्हें तो सिर्फ ये याद रखना है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, घुमा करके कॉस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी का ही भाई भाई जंतु बन सकता है एक, ठीक है, जो हमारा कॉस में बन सकता है, कॉस के अंदर, ठीक है। तो उसको भी यार तुम बिल्कुल ऐसे ऐसे कर सकते हो, सेम टू सेम तरीके से, मतलब वही फॉर्मूला डाल देना और मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको करके नहीं दिखा रहा, उसका आंसर सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका क्या होगा? तो यार कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ इस टाइप से आ रहा होगा, कॉस ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। इस टाइप से कुछ आ रहा होगा, समझ गए हो तुम इस चीज़ को, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो भाई इट इज जस्ट लाइक ऊपर वाला, राइट। तो बस वही कर दिया यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब वही काम करना है इसमें भी, ठीक है। अगर मैंने ये करा, जैसे मैंने साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी दोनों को मैंने साइड बाय साइड ये कन्वर्ट कर दिया ऐसे करके, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इस टाइप से करके, तो ये दिक्कत क्या होगी, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पर आएगा बेसिकली, चलो मैं करके दिखा देता हूँ तुमको, मैंने सोचा था कि नहीं करके दिखाऊंगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी माइनस, अब यहाँ दिखा देते हैं। सो वन इंटू वन वन होता है, ठीक है, हाँ भाई वन इंटू वन वन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ये प्लस में आ गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये माइनस है, तो इस माइनस ने इसको और इसको मार डाला जान से, ठीक है, ओके। सो ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यार ये देखने में अजीब नहीं लग रहा, मतलब एक फॉर्मूले वाली फीलिंग नहीं आ रही, जैसे वन एक अजीब लग रही है फीलिंग इसको वन देख के। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसने यही करा, फिर उनने किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, मानो मैंने वन और कॉस स्क्वायर को एक एक तरफ ले लूँ, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लग सकते हैं साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक कुछ गलती कर दी, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये मैं वन माइनस को तो भूल ही गया था, यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया प्लस में, ये भी हो गया प्लस में, ठीक है। तो ये आ रहा है बेसिकली हमारा, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप से कुछ आ रहा है कि माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसे कुछ सोचना है कि इस टाइप से हम क्या सोच सकते हैं। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर बी को अपना भाई बना के रखूँ, अपने पास रख लूँ यहाँ पे, सो कॉस स्क्वायर बी, तो ये क्या है, माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर, इसको इसमें से अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे देन इट विल बी वॉट, सोच के देखो, इट विल बी वन माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए पर तुमने माइनस कॉमन लिया, तो ये ऐसा रहेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। अरे इसकी जगह पे अगर मैं इसको ऐसे रहने देता, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे रहने देता और इनमें से माइनस कॉमन ले लेता, तो क्या आता, तो ऐसे आ जाता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये इसके दोनों फॉर्मूले पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मैं इसको भी समराइज करके लिख देता हूँ अपनी उसी लिस्ट के अंदर जो हमने बनाई थी। तो क्या बनी थी, अब तुम खुद बोल के देखो, पहले साइन वाला सबसे सिंपल लगा था मेरे को, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, आरडी शर्मा में बहुत सारे हैं, आपके आईआईटी में आए हुए बहुत सारे हैं, तो मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पहली बार में लगता है, बस बिलीव मी, सिर्फ पहली बार में लगता है, उसके बाद तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मतलब ये बोलने की भी वो नहीं पड़ती कि मतलब हमें आता नहीं है, याद नहीं होगा, कैसे याद होगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लगता है, साइंस स्क्वायर माइनस साइंस स्क्वायर भी सिंपल, और दूसरा वाला भी याद रखना तो कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट नहीं करता, मेरा ऐसा है कि इसी से काम चल जाता है। सो कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाला ले लूँ, यानी कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये भी मतलब कुछ ज़्यादा महान नहीं है इसमें, स्टार्टिंग करो कॉस से अपनी, किसी वाले से भी, मानो तुमने कॉस स्क्वायर ए से करी या फिर तुमने कॉस स्क्वायर बी से करी, तुम्हें इतना तो पक्का है कि यार माइनस वन नहीं आना है। अब बस कुछ नहीं करना, जो अगर तुमने ए से कर दी तो साइन लगा दो यहाँ पर चुपचाप, साइन स्क्वायर ए, और वरना सॉरी साइन स्क्वायर ए कह रहा हूँ, साइन स्क्वायर बी कर दो, और यहाँ पर तुमने अगर बी से कर दी तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये इसका दूसरा एक सेट बन गया फॉर्मूले का, ठीक है। अच्छा और भी इसमें कुछ बन सकता है क्या, जी बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। एक तो मैं यहीं पर करा देता हूँ तुमको, तो अब सोच के देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, टेन ए प्लस बी की जगह पे मैंने ए की जगह पे डाल दिया 45 डिग्रीज, क्या डाल दिया 45 डिग्रीज, ठीक है। और बी मैंने अपना वैसे रहने दिया, बी मैंने अपना वैसे रहने दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कुछ ऐसा रहेगा टेन ए, टेन ए पे क्या आएगा, टेन 45 डिग्रीज, टेन 45 डिग्रीज प्लस टेन बी, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वन माइनस टेन 45 डिग्री, यानी कि वन है, तो फिर ये क्या हो गया, सिंपल सा टेन बी, ठीक है। अब टेन 45 डिग्री क्या है, वन है, तो मैं यहाँ पे फालतू में लिखा, यहाँ पे भी वन ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखने में कुछ अच्छा सा लग रहा है, अरे देखो ना कितना बड़े लग रहा है, देखो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है कि वन प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन बी, ठीक है। तो ये एक ऐसा टर्म है जो वो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज़ करता है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये एक्चुअल में इसके बराबर है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया एक मैनिपुलेशन हो जाती है, जैसे अगर तुम एकदम से ये दिख जाए क्वेश्चन के अंदर, तो तुम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ दिखेगी तो एकदम क्वेश्चन छोटा लगने लगेगा ना, सोच के देखो, अगर मैं यही मतलब 50-60 बार लिख दूँ अपने क्वेश्चन के अंदर, और उसकी जगह पर मैं ये लिखूँ 50-60 बार, तो ये मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है। तो इसको भी हम एज अ रिजल्ट याद रखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे, ऐसे करके कि अगर कभी भी टेन के अंदर
बल्कि इसको उल्टा याद रखना ज़्यादा जरूरी है ना, ज़्यादा अच्छा तरीका उल्टा याद रखने का कि वन, अच्छा ऊपर क्या आएगा ज़्यादा, मतलब प्लस है या नीचे है माइनस है, देखो वन प्लस है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर चुपचाप याद रखें आपकी वन प्लस टेन है, ठीक है। मैं सिंपल इसको ए के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। वन प्लस टेन है, वन माइनस टेन किसके बराबर हो भाई, टेन 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या लग सकते हैं, पाई बाय फोर, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस ए। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता तो ऊपर माइनस हो जाता नीचे प्लस हो जाता, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, तो अगर मैंने नीचे माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये मतलब समझ लो दो फॉर्मूले को लिखने का, एक ही मतलब एक ही में लिख दिया मैंने दोनों फॉर्मूले, ठीक है। तो तुम ऐसे भी लिख समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाला देखूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए इक्वल्स टू टेन पाई बाय फोर प्लस ए। अगर मैं नीचे वाला देखूंगा तो क्या मिलेगा, वन माइनस टेन ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए इक्वल्स टू टेन पाई बाई फोर माइनस ए। दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फैक्ट, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा, और क्या बना सकता हूँ मैं इसमें, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो आजकल बहुत यूज होने लग गया। अभी एनटीए वाले जो हैं उन्होंने अभी अपनी वो निकाली ना अभ्यास ऐप, उसमें उन्होंने दो तीन क्वेश्चन दे दिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। वो प्रॉपर्टी नहीं आती तो तुम गए फिर, क्योंकि फिर तुम एकदम से देख नहीं पाओगे, ठीक है। सिमिलरली और भी आपके आईआईटी में आ चुका है, मतलब आईआईटी मतलब पुराने आईआईटीज में आ चुका है, बीच में भी आ चुका है, मेंस में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। नॉर्मल बुकों में तो तुम्हें ऐसे मिल जाएगा थोक के भाव में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका एक सीधे सीधे रिजल्ट ही बना डाला मैं छुट्टी करी, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, ये भी बहुत लोग कराते हैं ऐसा कुछ, मैं इसमें स्पेशल नहीं करा रहा हूँ। सो ए प्लस बी अगर तुम्हें दे रखा है किसी ने कि पाई बाय फोर है, यानी कि ए प्लस बी जो है वो टेन वो 45 डिग्रीज के बराबर है, तो ये बात होती है, ये होता है कि वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इक्वल्स टू टू हो जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट है। तो ये कैसे हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो अगर मैं सिंपल टेन निकालूँ, टेन ए प्लस बी, मुझसे को बोला कि टेन ए प्लस बी बता, तो मैंने मनीमन सोचा, मैंने कहा भाई ये टेन ए प्लस बी थोड़ा है, बट ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी तो पाई बाय फोर है, तो मेरे लिए पाई बाय फोर लिखा हुआ है। तो वट इज टेन पाई बाय फोर, टेन 45 डिग्री, दैट इज वन, यानी कि टेन ए प्लस बी किसके बराबर है, वन के बराबर। अब टेन ए प्लस बी एक्चुअली में होता क्या है, तो मैंने इसको ऐसे खोल के लिखा जा रहा है इससे, तो टेन ए प्लस टेन बी राइट, नीचे क्या आता है, नीचे आता है वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये वन के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये वन के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल्स टू वन माइनस, सो वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। आप क्या करोगे, अब इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको जैसे इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, प्लस टेन ए टेन बी, ये किसके बराबर आया, वन के बराबर आ रहा है, ऑल राइट। अब जरा मैं इधर आता हूँ, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, तो वन इंटू वन वन, ठीक है, फिर वन इंटू टेन बी टेन बी, ठीक है, फिर क्या आएगा, वन इंटू टेन ए टेन ए, ठीक है, फिर टेन इंटू टेन बी, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने जरा दोनों चीज़ों को जरा दिमाग से देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसकी क्या वैल्यू है, वन है, तो वन प्लस वन आंसर कितना आ गया, टू आ गया, तो हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो इतना थोड़ा चमेला याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे, हम सिर्फ इतना से याद रखेंगे कि अगर मेरे को गलती से भी किसी ने बोल दिया कि a प्लस बी जो है वो 45 डिग्री है, दैट मींस कि 1 प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी जो है वो 2 होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मानो किसी ने बोल दिया कि 1 प्लस टेन 1 डिग्री इंटू 1 प्लस टेन 44 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, तो तुम देखो कैसे करोगे, तुम देखो अरे आप वन है और वन और 44 जोड़ना, तो इनको क्या आएगा 45 डिग्री, यानी कि ये चीज़ वैलिड हो रही है यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्डली 2, सोचना ही नहीं ज़्यादा। अच्छा अगर मैं इसका दूसरा प्रोडक्ट ले लूँ, और मैंने ऐसे ले लिया वन प्लस 1 प्लस 3 ले लेते हैं, चलो तो टेन 3 डिग्री, और यहाँ पर ले लिया 1 प्लस टेन 42 डिग्री, तो इसका भी आंसर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा और कोई अगर मैं सोचूँ तो 1 प्लस टेन 22 डिग्री, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 1 प्लस टेन 23 डिग्री, ठीक है, तब भी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो तुम समझ गए बेसिकली क्या है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि बहुत चीज़ बहुत बार रिपीट हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। तो इसको भी एज अ रिजल्ट यहीं पे याद कर लो कि अगर मुझे दे रखा है किसी ने कि ए प्लस बी जो है वो 45 डिग्रीज के बराबर है, दैट सिंपली मीन्स कि 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी इंटू 1 प्लस टेन बी इक्वल्स टू 2 होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर तुम्हें याद करना चाहो तो याद करना, जो मैंने नीचे लिखा रखी है वो तो याद करनी ही करनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पर अगर तुम ये वाली याद कर सको तो मज़ा आ जाएगा। जैसे मैंने तुमसे बोलते हैं टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, इसको अगर तुम्हें कंबाइन करके लिखना था तो तुम कैसे लिखोगे, टेन ए प्लस टेन बी। सिमिलरली मैं तुम्हारे सामने लिख दूंगा टेन ए माइनस टेन बी। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार यूज़ हो चुका है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टेन ए प्लस टेन बी को कंबाइन करने का सबसे बेहतरीन फास्टेस्ट तरीका है, ऐसे इनको साइन के अंदर डाल दो, सो साइन ए प्लस बी,
ठीक है, फिर इसको इसको भी ऐसी करा, इसको भी साइन के अंदर रख दिया, साइन ए माइनस बी, सिंपल सही सिंपल। फिर क्या करा, फिर बस साइन की जगह पे कॉस लिख दिया, सो कॉस ए कॉस बी, सिंपल कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे भी गया कॉस ए इंटू कॉस बी। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे कर दिया, मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, टेन ए प्लस टेन बी को एक अलमारी में डाल दिया, अलमारी का नाम क्या है साइन, तो साइन ए प्लस बी, फिर उनकी चाबियाँ क्या है कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो टेन 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 ए माइनस टेन बी, इसका क्या आंसर आएगा, चाबी अलमारी में डाल दो, साइन ए माइनस बी, चाबी क्या है कॉस ए कॉस बी, सिंपल ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, तो डिवाइड कर ले, सिंपल समझ में आ जाएगा तेरे को, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन बी कॉस ए, समझ गया क्या होगा, देखो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लिया, कॉस ए कॉस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो आपका कॉस ए कट गया, यहाँ पे यहाँ पर कॉस बी कट गया, वॉट इज साइन ए बाय कॉस ए दैट इज टेन ए, सिमिलरली वॉट इज साइन बी बाय कॉस बी दैट इज टेन बी, ठीक है। तो बस ये आ गया आंसर तुम्हारे सामने, और सिमिलरली अगर तुम यहाँ माइनस लगा दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाला भी सेट है, ठीक है, समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आ गया इसका। तो इसको भी एज अ रिजल्ट अगर तुम याद कर पाओ दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। उल्टा भी सोचना आना चाहिए, उल्टा मतलब जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, तो वैसे तुम इसको तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी। पर अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो ये तो तुम्हें लॉजिकली दिख जाएगा, जैसे साइन ए प्लस बी, इतनी देर में खोल लूंगा याद क्या करना है इसको, तो ये चीज़ तो एकदम से दिख जाती है, ये चीज़ तो एकदम से दिख जाती है, पर जो नहीं दिखता वो इसका उल्टा नहीं दिखता, कि कभी बार क्वेश्चन में एकदम से उसने ऐसे लिख दिया ना टेन ए प्लस टेन बी, तो एकदम से ये चीज़ सोचना मुश्किल हो जाती है कि टेन ए प्लस टेन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे कि साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी, तो तुम ऐसे ही याद रखो इस चीज़ को, कि अच्छा वरना तुम इसका ऐसे मैनिपुलेशन याद कर लो कि हमने कुछ ऐसा सीख रखा है कि हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उस टाइम पे तुम एकदम से स्ट्राइक कर जाए, चाहे तुम्हें एग्जैक्ट चीज़ स्ट्राइक ना करे, पर एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो स्ट्राइक करेगा, और वही हमारी जीत हो जाएगी हमारी वहीं पर, कि हमें चलो स्ट्राइक कर गया, ये हमने कर रखा है इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो बस हो गया, ये हमारे हमारा ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि किसी ने इतना ज़्यादा करा रखा होगा, आई थिंक सो, पता नहीं, हो सकता किसी ने करा भी रखा, मेरे को क्या पता, खैर जो भी है। तो हमारी तरफ से इतना बहुत है, मतलब ये कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मूले जितने भी थे, जितने भी बन सकते हैं, मतलब कंपाउंड एंगल लोग पता कितना कराते हैं, सिर्फ ये कराते हैं मेनली, ये चार कराते हैं और ये भी नहीं कराते बेसिकली, टेन वाले कराते छोड़ देते हैं बस। तो हमारे टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, ये चार फॉर्मूले यहाँ पे हो गए, और नीचे चार फॉर्मूले और हो गए, ये वाले चार फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले यहाँ पे हो गए, ठीक है, कितने हो गए, चार प्लस चार आठ, ये दो दस, फिर दस के बाद दो यहाँ पे और हो गए बारह, बारह के बाद दो मानेंगे इनको हम लोग, ठीक है ना। तो बारह बारह प्लस दो 14 हो गए, और ये हो गए हमारे 15 फॉर्मूले टोटल हमारे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो 15 फॉर्मूला हो गया हमारे टोटल, ठीक है। तो बस ये तुम सारे याद रखो, सारे के सारे, उसके बाद फिर अगले मतलब अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनकी वाले समरी बनवाऊंगा, तुम ही से कर पाऊंगा सारे के सारे, तुम 10 बार लिख लो इनको, मान लो मेरी बात 10 बार लिखो, 10 बार, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी बन सकते हैं, तुमने सोचे भी नहीं होंगे इतने इतने सारे बन जाएंगे इस पर, ठीक है। जितने भी बनेंगे, पूरी तुम्हारी जितनी भी बन सकती है, पूरी पीएचडी कर रखी है इसमें, ठीक है, पूरी पीएचडी करवा देंगे तुमको, ठीक है, मज़ा आएगा तुमको, इतने बढ़िया तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, मैं कितने लेने वाला हूँ, 56 तो लिखा हुआ ही है इसमें, 56 समझ लो तुम, 56 क्वेश्चन, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो देन, ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।